हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में बात करेंगे एनएस बोर्ड के अक्टूबर 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट को लेके। सो काफी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप टीम के पास भी काफी सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। जैसे कि आपके एग्जाम फिनिश हुए तो उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चों में जो एक एक्साइटमेंट है या फिर एक क्यूरियोसिटी है वो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और किस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके की स्कूल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 जनवरी के बीच आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 10 से 15 जनवरी के बीच में लगभग आपका रिजल्ट आ ही जाएगा और रिजल्ट को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो, रिजल्ट आपका बेहतर ही आएगा। जैसे ही हमारे एक्सपर्ट से बात हुई है तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि रिजल्ट आपका बेहतर ही बन रहा है, ठीक रिजल्ट आपका बन रहा है। तो बच्चे रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो आप उम्मीद से रहें, मतलब होप से रहें कि भाई हाँ आपका रिजल्ट बेहतर ही बनेगा। और जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, जैसे कि अभी 2-4 दिन है आपके रिजल्ट आने में, तब तक आप ये चीज देखें कि अगर आपने 10th का रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हो तो आफ्टर 10th आपको क्या करना है, एंड अगर आप 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आफ्टर 12th आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस चीज पर आप थोड़ा सा फोकस करें। साथ ही साथ आप सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत इस चैनल से आपको एकदम ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी, एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपना रिजल्ट खुद कैसे चेक करें। चलिए, सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।